हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साउथ में रिलीज हुई बनारस मूवी के बारे में। बनारस इट्स एन एक्सेलेंट ब्यूटीफुल मूवी फ्रेंड्स। और सबसे अच्छी बात, इस फिल्म की लीड एक्टर जैद खान ऑसम परफॉर्मेंस और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। और कहीं से लगता नहीं ये डेब्यू एक्टर हैं। और सोनल जो फिल्म की लीड फीमेल एक्टर हैं, इनका काम भी बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। और इन दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री आउटस्टैंडिंग है। और बहुत ही अच्छा डायरेक्शन दिया है जय तीर्था ने। और फिल्म की फोटोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी, बनारस को जो कैप्चर किया है, इट्स एन एक्सेलेंट आर्ट ऑफ वर्क फ्रेंड्स। और ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं, एक ब्यूटीफुल जर्नी है। ब्यूटीफुल लोकेशंस, ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन और फिल्म का म्यूजिक आउटस्टैंडिंग है फ्रेंड्स। मूवी आपको कहीं पे भी स्लो नहीं लगेगी। बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले है। फर्स्ट हाफ में जब जैद प्रैंक खेलता है सोनल के साथ और वो एम्बेरस्ड होके बनारस चली जाती है और जैद उसे ढूंढते हुए बनारस जाता है। उसके बाद वो उसे ढूंढ लेता है और दोनों में प्यार कैसे होता है। और फ्रेंड्स, अचानक इंटरवल में ऐसा ट्विस्ट आता है, जबरदस्त था। आप सोच में पड़ जाओगे ये ट्विस्ट आया कहाँ से। सरप्राइज था फ्रेंड्स। और सेकेंड हाफ में डायरेक्टर ने जो टाइम लूप कॉन्सेप्ट को जो एक्सप्लोर किया है ना फ्रेंड्स, वो एक बेहतरीन डायरेक्शन का कमाल है। बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है। जैद कैसे एक टाइम लूप में फंस जाता है और उस टाइम लूप से कैसे बाहर निकलता है। और क्लाइमैक्स ब्रिलियंटली डन फ्रेंड्स। मैं कोई इससे ज़्यादा स्पॉइलर देना नहीं चाहता फ्रेंड्स। आप इस मूवी को बड़ी स्क्रीन पे ही देखना, OTT का वेट मत करना। इट्स ए फैमिली फिल्म एंड ए मस्ट वॉच मूवी है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर फ्रेंड्स।